तो दोस्तों, सभी सुनने वालों को सूरज अग्रवाल का प्यार वाला नमस्कार। मैं अभी बैठा हूँ गार्डन में, जो प्रोग्राम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यूट्यूब का, गार्डनिंग इज माई पैशन, उसमें सभी का आपका स्वागत है। आज को मैं जो पौधा दिखाने जा रहा हूँ, देख रहे हैं आप, ये क्यारी बनाई हुई है, काफी सारे चारों तरफ वे पौधे लगे हुए हैं हर एक तरह के। आज मैं स्पेसिफिक एक पौधा आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, उसका नाम है जेड प्लांट, जिसको ये एक सोकुलेंट प्लांट है और इसको मानी प्लांट या मानी ट्री भी कहा जाता है, और इसका और एक नाम है फ्रेंडशिप प्लांट। ये मानी प्लांट के हिसाब से सारी दुनिया में ये प्रसिद्ध है, और इसका साइंटिफिक नेम है क्रासुला ओबाटा। ये जो पौधे आप क्लोज आप पे दिखाई हैं, ये एक सुकुलेंट प्लांट है। सुकुलेंट प्लांट मतलब इसके जो टहनियाँ हैं इसमें पानी भरा आता रहता है, और ये पत्ते भी जो हैं, और ये पत्ते में भी पानी भरा होता है। तो ये सुकुलेंट प्लांट है जिसका गर्मियों में और एलोम जो सॉइल होते हैं, जो जिसे पानी बहुत कम होता है, उस पानी में ये उस पौधे में उस तरह की मिट्टी, सूखी मिट्टी हो उसमें ये पनपते हैं अच्छे। वैसे तो इसका ओरिजिनल जो है ये साउथ अफ्रीका या मोजाम्बिक में इसका ओरिजिन नेटिव प्लांट है। इसका एक्चुअल जो कंट्री है वो है साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक, ये जो दो कंट्री है वहां से ये पौधा आया हुए है, और वहां से सारी दुनिया में ये इंडोर और आउटडोर प्लांट में ये फेमस है। तो ये लकी प्लांट या मनी प्लांट के हिसाब से ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये इंडोर में आपके घर में भी रख सकते हैं और ये बाहर में भी रख सकते हैं। इसको रोज पानी देने की जरूरत नहीं है, जब ये मिट्टी पूरी सीख जाए तब इसको पानी दे, और जब गर्मी थोड़ी ज्यादा गर्मी हो तो इसमें दो तरह के फ्लावर आते हैं, इसमें स्पीसीज के अनुसार में सफेद रंग के या पिंक कलर के, ये दो कलर के पौधे आपको फ्लावर इसमें छोटे छोटे पौधे दिखाई देंगे। तो ये जो पत्ते में क्लोज अप में दिखाता हूँ, ये जो क्रासुला वैरायटी है, इसके जो पत्ते आप देखेंगे तो पत्ते ये ओबाटा मतलब अंडे की तरह की शेप के होते हैं ये पत्ते, इसलिए इसका नाम है क्रासुला ओबाटा। तो ये आप जरूर लगाएं आपके घर में। फेंगशुई की माने, फेंगशुई एक चाइनीज वास्तुशास्त्र है हमारे यहाँ, तो ये चाइनीज वास्तुशास्त्र के माने तो ये मानी खींचने वाला प्लांट है, आपको तरह मानी खींचता है, और आपके घर में अगर पानी धन की बारिश हो करनी हो तो ये एक पौधा आप आपके घर में लगा लीजिए, तो आपके घर में धन की बारिश हो जाएगी। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं क्लियर कर दूं कि ये फेंगशुई जो वास्तुशास्त्र है उसमें ऐसा कहा गया है। मैं इसका दावा नहीं करता कि आपके घर में धन की बारिश होगी, लेकिन फेंगशुई वास्तुशास्त्र में कहा गया कि ये अगर आप एक प्लांट आपके घर में लग जाए तो आपके घर धनों से भर जाएगा पूरा। तो दुनिया भर में ये फ्रेंडशिप ट्री या मनी प्लांट के हिसाब से ये दिखाता है। तो एक प्लांट आप जरूर कोई भी नर्सरी में चले जाए तो एक प्लांट आप जरूर खरीदें और आपके घर में लगाएं। और कहाँ रखें ये प्लांट मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए उधर चलता हूँ जहाँ पर ये रखना है। तो दोस्तों, ये है मेरा कॉलेज का मुख्य द्वार। ये मुख्य द्वार में मैंने भी एक क्रासुला का प्लांट लगा रखा है एक, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज अप में। ये मेरा काफ़ी अच्छा पौधा है क्रासुला का, काफ़ी बड़ा भी है, कम से कम 3-4 साल बड़ा है। तो कहते हैं कि अगर ये आप रखें ऑफिस के बाहर गेट में, आप जहां पर आप प्रवेश करेंगे उसके दाहिने तरफ, मतलब कि ये जहां पर कोई बाहर का आदमी प्रवेश कर रहा है उसके राइट एंड ओर आपको ये पौधा लगना चाहिए, तब धन की बारिश होती है। तो देखते हैं धन की बारिश होती है कि नहीं। और मैंने इसीलिए एक जहां पर हम प्रवेश करते हैं, मेरा जो ऑफिस है उसके अंदर थोड़ा सी बारिश भी हुई है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा पानी आ गया है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, तो मेरे ऑफिस के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको कि अंदर भी मैंने एक दो पौधा लगा रखा है। तो ये मैं दिखाता हूँ, जो मेरा चेम्बर है, चेम्बर के पीछे एक क्रासुला का छोटा प्लांट मैंने लगा रखा है यहाँ पर। ये एक छोटा प्लांट मैंने क्रासुला का, उधर गुडलक प्लांट भी है लेकिन एक क्रासुला का प्लांट इधर भी है, तो ये मैंने लगा रखा है। आप चाहें तो कोई भी नर्सरी से खरीद के आपके ऑफिस में भी रख सकते हैं, और आपके जो मुख्य द्वार है उसके दाहिने तरफ जरूर रखें, क्योंकि फेंगशुई के हिसाब से ये दाहिने तरफ ही होना चाहिए। चलिए मैं आपको चलता हूँ नर्सरी में, जहाँ ये पौधे बिक रहे हैं और कैसे क्या भाव बिकते हैं, कैसे बिकते हैं, वो नर्सरी में जाकर मैं बताऊँगा आपको। तो दोस्तों, ये है जेट प्लांट या क्रासुला कहते हैं इसको हम। ये मैं नर्सरी में आपको दिखा रहा हूँ कि नर्सरी में कैसे ये दिखते हैं। तो यूजुअली नर्सरी में ये दो साइज के पॉट में पाए जाते हैं, बड़े भी पाए जा सकते हैं। छोटे जो पौधे हैं उसकी कीमत करीब नर्सरी में आपको कलकत्ता मिलेंगे तो आपको 30 रुपये मिल जाएगा, और अगर थोड़ा बड़ा पौधा ले लें जो 7 इंची या 8 इंची है, उसको आपका 40 रुपये से 50 रुपये मिल जाएगा आपको कलकत्ते में। तो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं नर्सरी में ये कैसे बिक रहे हैं। ये है क्रासुला,
जो आपको फेंग शुई प्लांट के हिसाब से या मनी प्लांट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आए हैं कलकत्ता के पास साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में मुचीसा बोल के एक जगह है, वहाँ पर नर्सरी है, बहुत सारी नर्सरी है, करीब 100 नर्सरी यहाँ पर है। ये कलकत्ता का हब माना जाता है ये नर्सरी के बारे में। तो यहाँ पर एक नर्सरी है जिसका नाम है द नेचुरल गार्डन। तो नेचुरल गार्डन बहुत अच्छा नर्सरी है, तो इसके मैं आया हूँ जेट प्लांट के ढूंढने के लिए, यहाँ पर जेट प्लांट है कि नहीं है, कितने हैं, क्या प्राइस है, क्या बात है। और इसके जो मालिक हैं श्री गौतम गायन, तो उनको मैंने देखा ये गार्डन में। तो ये हैं गौतम गायन हमारे। तो आप बताए, दिखाइए जरा कौन सा है आपका जेट प्लांट, आप थोड़ा नीचे होकर दिखाइए। ये है जेट प्लांट। तो ये जेट प्लांट है, मैं क्लोज आपसे दिखाता हूँ आपको, ये जेट प्लांट है। तो इसके ये काफ़ी सारे पौधे हैं, ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं यहाँ पर कलकत्ता में, ये काफ़ी बिक रहे हैं जेट प्लांट के हिसाब से। और ये जेट प्लांट आप कहीं से भी, कोई भी नर्सरी आपके नज़दीक की जो भी नर्सरी है उसको ले सकते हैं। ये तो काफ़ी बड़े हैं और इसके सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी इस बात की है कि इसको आप बॉन्साई प्लांट के हिसाब से, बॉन्साई ट्री के हिसाब से इसको उगा सकते हैं आपके यहाँ पर। तो ये एक पॉट में आप लगा लें, थोड़ी सी मिट्टी में ये उपज जाएंगे पौधे, और जब बड़े होंगे थोड़ी से तो कम से कम भी ये एक पॉट में 30-40 साल तक ये टिक जाते हैं ये पौधे। तो मैं ये दिखाता हूँ इसके टहनी है कि कितनी मोटी होती है ये टहनी, यहाँ पर अंगली दिखा के देखें, ये देखिए ये टहनी कितनी मोटी है। और ये सुकुलेंट के प्लांट के हिसाब से, सकुलेंट प्लांट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा होता है। तो ये देखिए 3-4 टहनी यहाँ से निकल गई है, ये काफ़ी पुराने, कम से कम 5-6 साल पुराने ये प्लांट है। तो ये जेट प्लांट, तो ये आपको मैं ये उठा के दिखा रहे हैं, ये हमारे जो गौतम गायन साहब हैं ये आपको दिखा रहे हैं ये कैसे ये प्लांट है। इनके नर्सरी में ये मिल जाते हैं, कोई भी नर्सरी में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो प्लांट है कम से कम 5-6 साल पुराने हैं और ये काफ़ी बड़ा प्लांट है। तो गौतम गायन जी, ये इसकी प्राइस कितनी होगी करीब आपके पास? 350 है इसकी प्राइस। ये काफ़ी बड़ा प्लांट है, 350 में आप अभी नेचुरल गार्डन में आएंगे तो इसको मिल जाएगी। अब किस तरह के लोग ये खरीद रहे हैं ज्यादा? ये बहुत पैसा वाला आदमी लेते हैं और इसका बोलते हैं मानी प्लांट्स बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो है ये बिजनेसमैन जो लोग हैं वो ज्यादा खरीद रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर ये प्लांट आपके ऑफिस में हो तो आपकी बिजनेस बहुत तरक्की करता है, बहुत पैसे आपके इनकम होते हैं इसमें। लाफिंग का बुद्धा जो जैसा होता है ना, हाँ, फेंग शुई में जो लाफिंग बुद्धा टाइप का होता है, जो आपको प्रॉस्पेरिटी, घर में सुख शांति समृद्धि लाते हैं, तो ये पौधे भी अगर आपके ऑफिस में लगाए, जो बिजनेसमैन है उनके लिए बहुत अच्छा है ये फेंग शुई माना गया है। तो एक पौधा आप जरूर कहीं से कलेक्शन कीजिए, कोई भी नर्सरी से लीजिए, तो आप या आपके घर में या आपके बिजनेस की जो ऑफिस है उसमें जरूर लगाइए। ये आपको पॉजिटिव ऊर्जा देगा और नेगेटिव ऊर्जा ये सोख लेके आपको तरक्की देगा और आपको धन धान्य बनाएगा। तो दोस्तों ये क्रासुला ओवाटा या फिर जेट प्लांट के बारे में जो आपने मैं वीडियो दिखाया, अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के नए नए जो पौधे हैं, नए नए जो प्लांट्स हैं, और भी बहुत सारे प्लांट्स के बारे में मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूं। तो सब बखैर, सब अच्छा रहे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे उम्मीद करते हैं। और